हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर कोड कोच। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है, आप सभी को मेरा जय श्री राम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जावा टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो आज का हमारा टॉपिक है जावा ऑपरेटर्स। तो आइए हम जानते हैं कि जावा ऑपरेटर्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, वेरिएबल और वैल्यूज के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो x प्लस वाई, ठीक है, तो x और y मेरे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। तो बीच में जो साइन है प्लस की, वो क्या है, ऑपरेटर है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 प्लस 3, ठीक है, तो बीच में जो है प्लस, उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, x ग्रेटर देन y, तो ग्रेटर देन क्या है, ऑपरेटर हो गया। x लेस देन y, लेस देन क्या है, ऑपरेटर। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स की साइंस है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ऑपरेटर्स दिए गए हैं। 2 प्लस 3, तो 2 और 3 मेरे वैल्यूज हो गए, तो वैल्यूज के बीच में जो प्लस है वो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स है यहाँ पर मैंने टाइप्स दिए गए। तो आज हम देखने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एवरी वीडियो में हम न्यू ऑपरेटर सीखेंगे, ठीक है, यानी कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम सीखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इतने टाइप्स है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिविजन है और मॉड्यूल है। तो आप जानते हैं कि एडिशन किसे कहते हैं, तो प्लस साइन होती है और 10 प्लस 2, ठीक है, कोई भी दो वैल्यू को हमें एडिशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए प्लस साइन यूज होता है। तो 10 प्लस 2 यानी कि 12, 10 माइनस 2 यानी कि 8, 10 मल्टीप्लीकेशन 2 यानी कि 20, 10 डिविजन 2 यानी कि 5, 10 मॉड्यूल 2 यानी कि 0। तो ये आप देख सकते हैं मॉड्यूल रिमाइंडर। तो ये जो हम डिवीजन करते हैं तो लास्ट में हमें शेष बचती है, ठीक है, हिंदी में हम उसे शेष कहते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेष, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की साइन है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास डिक्लेरेशन करेंगे। तो पब्लिक क्लास, क्लास नेम, तो क्लास नेम मैंने यहाँ पर दे दिया है डेमो। फिर हमारी मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। मैंने बोला था कि मेन मेथड के अंदर ही सारे के सारे लॉजिक्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब हमारी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ये हम सारे के सारे परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप ले लिया है, फिर ए वेरिएबल ले लिया है और ए वेरिएबल की वैल्यू मैंने दे दी है 10। फिर मैंने दूसरी बार इंटीजर डेटा टाइप ले लिया है, बी वेरिएबल ले लिया है और बी की वैल्यू मैंने दे दी है 2। यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है, ए बी, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। आइए अब हम हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो मुझे 10 और प्लस का एडिशन करवा के उसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट में a प्लस बी कर देंगे, ठीक है, a प्लस बी कर देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 प्लस 2, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। उसी तरह a माइनस बी यानी कि 10 माइनस 2, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 8 आएगा। a मल्टीप्लीकेशन b यानी कि 10 मल्टीप्लीकेशन 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। a डिवीजन b, तो a डिवीजन b यानी कि 10 डिवीजन 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। फिर a मॉड्यूल 2, तो हमारा आंसर आएगा 0, ठीक है। तो इसी तरह मैंने ये सारे के सारे ऑपरेशंस यहाँ पर प्रिंट करवा दिए हैं सिंपली, तो आंसर हमारा ये आएगा। दूसरी हम एक चीज देखते हैं कि सारे ऑपरेटर्स को मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करवाना होगा, तो मैं कैसे करूंगी, तो आइए हम देखते हैं। तो जावा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसे एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास डिक्लेरेशन, पब्लिक क्लास डेमो, ये फाइल का नेम है। फिर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। फिर क्या है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो एक्सप्रेशन होते क्या है, तो 10 मल्टीप्लीकेशन 10, ठीक है, मुझे
सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक ही में परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो देखो, 10 मल्टीप्लिकेशन 10 डिवाइडेड 5 प्लस 3 माइनस 1 एस्ट्रिक 4 डिवाइड 2 और लास्ट में सेमी कॉलम, यानी कि ये मैंने सारे के सारे ऑपरेटर्स एक ही लाइन में मैंने परफॉर्म किया है, मुझे इसका आंसर चाहिए, तो उसका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, तो एक्सप्रेशन इसी को बोलते हैं कि एक ही लाइन में हम सारे के सारे एक्सप्रेशन को लिख कर हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसे ही आगे वीडियो चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, योर कोड कोच, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय सियाराम।